मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के दौरे पर पौड़ी गढ़वाल के ग्राम जामली पोखरी में योग आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के समन्वित चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हेल्थ टूरिज्म आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा से ही प्रारंभ हुआ है, इस कार्य को और बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने वृक्षारोपण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के हेल्थ वेलनेस सेंटर के सपने और हर घर नल योजना के दृष्टिगत पोखरी में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। पोखरी में पहाड़ी की चोटी पर 2 किलोमीटर की पर पानी पहुंचाना सबसे बड़ी बात है। पहाड़ी क्षेत्रों में खेतों को बंजर न रखकर उनकी नियमित जुताई करने से पानी पहाड़ों के अंदर जाएगा और वनस्पतियों को भी विकसित होने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम में स्वामी बाबा रामदेव और परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। जल संरक्षण के लिए भी एक विशेष अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और जल संरक्षण के लिए वृक्षारोपण, चेक डैम बनाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बेहतरीन व्यवस्था, देसी व्यवस्था को लागू करना, इन पहाड़ी क्षेत्रों में खेतों को बंजर न रख करके जुताई करके जिससे पानी पहाड़ के अंदर जाए और फिर वह वनस्पतियों को वहां से आगे बढ़ने का अवसर दें और ये वनस्पतियां फिर हरा भरा करके पानी को अपने ऊपर सोख करके आवश्यकता के अनुरूप फिर उसका विसर्जन भी करें। ये प्रक्रिया अपने आप में एक इको सिस्टम बनता है और जब ये चलेगा तो ये पूरा क्षेत्र न केवल मानवीय सृष्टि के लिए बल्कि तमाम जीव जंतुओं के लिए भी एक बेहतरीन शरण स्थली बनेगा।